न्यूमेरिकल्स ऑन apparent depth and real depth. याद रखिएगा, there are in total 6 formulas. पहले आपको ये decide करना पड़ेगा कि आप कौन से medium में हो, और फिर उसके हिसाब से आपको workout करना पड़ेगा. Let's begin. Question number 1. To a bird in air, fish underwater, appears थर्टी सेंटीमीटर डीप. फाइंड रियल डेप्थ ऑफ फिश. क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लो. सबसे पहले ये चेक करो कि ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जर्वर कहां है. फिर अपने मन में सोचो कि अगर तुम एयर में खड़े हो, ध्यान से सुनना इस बात को, फिर अपने मन में सोचो कि अगर तुम एयर में खड़े हो तो तुम्हें जो डेप्थ दिखाई देगी वो कम दिखाई देगी कि ज्यादा दिखाई देगी. तो आप जानते हो कि अगर आप एयर में खड़े हो तो आपको जो डेप्थ दिखाई देगी वो कम दिखाई देगी. तो वहां से फॉर्मूला बना लो. कम दिखाई देगी तो म्यू से डिवाइड ही करोगे. तो वीडियो लैग हो रहा है काफी. एक सेकेंड, कहीं ऊपर वाले फ्लोर, हाँ फर्स्ट फ्लोर से कनेक्टेड है. अब ठीक हो जाएगा बेटा. ऑब्जर्वर एयर में है, सबसे पहले तो यही देखो. फिर अपने आप को ये पूछो कि यार अगर हम एयर में खड़े हैं तो पानी के अंदर वाली चीज कम गहरी या ज्यादा गहरी. अगर जवाब आए कम गहरी तो म्यू से डिवाइड वाला फॉर्मूला, ज्यादा जवाब आए तो म्यू से मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला. फिर ये सोचो कि ये जो 30 सेंटीमीटर दे रखा है ये इन दोनों में से कौन सा है. साफ लिखा हुआ है अपीयर्स, तो भाई एपरेंट डेप्थ 30 सेंटीमीटर है, रियल डेप्थ निकालने का है, और म्यू की वैल्यू 4/3. तो रियल डेप्थ कितनी आ गई, यूनिट लिखना नहीं भूलना, 40 सेंटीमीटर. कोई लेट आया हो तो मैंने शॉर्ट कर दिया. सेकेंड क्वेश्चन,
नाउ रीड केयरफुली टू अ फिश अंडर वॉटर, पहली लाइन ही यही आएगी, पहले लिख लो क्वेश्चन। अब ऑब्जर्वर कहां है, सभी अपने मन में बोलोगे, कोई माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। ऑब्जर्वर मीडियम में है, फिर अपने आप से दूसरा सवाल पूछो, यार अगर मैं पानी में हूं, मीडियम में हूं, तो मुझे बाहर की दुनिया कैसी नजर आएगी, ज्यादा बड़ी, ज्यादा ऊंची? तो फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर ज्यादा ऊंची है तो म्यू से मल्टीप्लाई। अब दिमाग लगाइए कि ये 30 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, अपीयर्स, पहले वाली लाइन में आरएच नहीं लिखना, दूसरी लाइन में बिंदास लिखो, क्योंकि अब टीचर को कोई डाउट नहीं है कि आरएच से क्या मतलब है, यूनिट लिखनी नहीं छोड़नी। हमारे टीचर बोलते थे अगर हम यूनिट ना लिखे ना, कि भाई से कपड़े कौन पहनाएगा, नंगा छोड़ दिया तुमने इसको, तो भाई फिजिक्स में कपड़े जरूर पहना दो आंसर को। थर्ड क्वेश्चन, मुझे आप सभी दिखाई दे रहे हैं, आई मीन आपके नाम दिखाई दे रहे हैं, तो जिसको जवाब पता हो वो हैंड रेस कर लेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, अरे वाह, सो क्विक। I want everybody's hands, otherwise there is a problem. Good. 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 We still have 5 persons left. Excuse me, sir. Amita. सर मेरी कल ये जूम ऐप ऑन नहीं हुई थी और आज मैंने अभी स्टार्ट किया है। कोई बात नहीं, मैं एक ही बात बोलूंगा, कोई बात नहीं, आज का लेक्चर तो जैसा समझ में आए गो थ्रू कर लेना। मैंने ना कल आपको ये बताया था कि मैं अब से आपका लेक्चर जो मेरी अपनी पर्सनल ऐप है ना उस पे अपलोड कर दूंगा। थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि लंबी वीडियो थी, तो मैंने वो ऐप पे अपलोड वीडियो कर दिया है। ओके सर, ठीक है, मतलब जो भी लेक्चर होगा ना वो आपको विद इन 24 आवर्स मेरे ऐप के वीडियो में मिल जाएगा, जहां पे तुम्हें नोट्स मिलते होते हैं ना उसके टॉप पे देखा करो, वहाँ अनाउंसमेंट टेस्ट होता है, उसको स्वाइप करते जाओगे तो आगे जाके वीडियो मिलेगा। सर उस ऐप में ये यूं आता है कि यू आर नॉट एडेड टू एनी बैच। अच्छा, फिर मुझे एक बार अपना नंबर दे दियो, मैं ऐड कर दूंगा बेटा। ओके सर, ठीक है, आज मुझे नंबर भेज देना सर, प्लीज ऐड मी इन योर ऐप, उसी नंबर से आपको लॉग इन करना पड़ेगा।
ओके हाँ चल यस बेटा आंसर इज वेरी वेरी क्लियर. जो चाहे माइक ऑन करके बोल सकता है, सारे चाहे सारे बोल सकते हो. टॉलर 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 अच्छा लगता है ये वर्ड, पता नहीं टॉलर एक आधा डॉलर भी बोल दो यार. अगर कोई पूछ ले रीजन क्यों है, हैंड्स डाउन ही रीजन क्यों है, तो रीजन भैया एक ही है कि ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में है. और अनुष्का यही बताऊंगा बेटे, अगर तू स्विमिंग पूल में झांक के देखे तो तुझे क्या दिखाई देगा, तुझे स्विमिंग पूल का लेवल रेस्ड दिखाई देगा, स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई देगा. ठीक है जी, अगर आप पानी के बाहर हो तो तुम्हें पानी की दुनिया कम गहरी नजर आती है, लेकिन अगर तुम पानी के अंदर हो तो तुम्हें पानी के बाहर की दुनिया ज्यादा बड़ी नजर आती है. क्वेश्चन फोर्थ, व्हाई मॉर्निंग सन एंड ऑब्वियसली इवनिंग सन. Appears bigger in size oval in shape. इसमें से मैं बिगर का हिंट देना चाहूंगा. सन कहां है? वैक्यूम में. और वैक्यूम कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम. हम कहां हैं? हम ऑब्जर्वर हैं, हम एयर में हैं. और एयर कौन सा मीडियम हुआ? डेंसर मीडियम. अगर हम डेंसर मीडियम में हैं तो हमें रेरर मीडियम की चीजें बड़ी नजर आएंगी. ओवल का आंसर मैं चाहूंगा कि आप गूगल कीजिएगा, जतिन अभी मत करने बैठ जाना. ये एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा, मैं बताऊं ओवल क्यों होता है? हाँ बता सर. क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो बहुत सारे लेयर से पास करता है, तो हमें वो जैसे आपने बताया था स्केटरिंग ऑफ लाइट, स्टार बेसिकली स्टार टाइप का नहीं होता, वो स्फीयर ही होता है, लेकिन इट अपीयर्स टू बी स्टार, ऐसे ही ओवल शेप का दिखता है. एक्चुअली इसमें आप ऐसे बोल सकते हो बेटे, मतलब कभी ना एररलेस बुक पढ़ना या कोई और बुक पढ़ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा. ये क्वेश्चन सभी के लिए नहीं है क्योंकि सभी ने मिरर्स नहीं किए हमारे आगे, कि अगर हम मिरर के आगे क्यूब रखेंगे तो फिर वो मिरर में कैसा दिखाई देगा, क्या वो हमें क्यूब ही दिखाई देगा? अब क्यूब की हाइट भी है और ब्रेड्थ भी है, ठीक है, और आपके जो मिरर की मैग्निफिकेशन होती है ना, वो हाइट और ब्रेड्थ के हिसाब से अलग अलग. अब आपका जो सन है वो गोल है, मतलब हमारे लिए तो गोल ही है, उसकी हाइट भी है और ब्रेड्थ भी है, तो ब्रेड्थ वाइज तो वो टॉलर हो जाएगा, सॉरी ऊंचाई वाइज मतलब जो वर्टिकल डायमीटर है उसके हिसाब से तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायमीटर के हिसाब से वो उतना बड़ा नहीं होगा, इसीलिए वो ओवल शेप का नजर आएगा. हम इसको बोलते हैं अनइक्वल रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स या थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सन. ओके सृष्टि? यस सर. हाँ, ये एक हम डायग्राम बना रहे हैं.
पानी मच्छी ये बर्ड और दोनों आपस में नैन मटक्का कर रहे हैं। बर्ड मच्छी को देख रहा है, मच्छी बर्ड को देख रही है। ये हाइट मान लो 40 सेंटीमीटर है और ये मान लो 50 सेंटीमीटर है। ये तो एयर है ही और ये वाटर बता ही दिया। ध्यान से अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। बट ये सारे हाइट्स क्या हैं? एक्चुअल हाइट्स। सर ये जो 50 सेंटीमीटर हाइट है ये फिश तक की हाइट है या पूरे पूल की है? नहीं, वाटर से लेकर फिश तक की हाइट है। ठीक है, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो फिश और बर्ड के बीच का है। नेक्स्ट बन गया डायग्राम। आई एम काउंटिंग टिल 5 बिफोर आई मूव ओवर टू द आपकी ना 45 टू 50 मिनट्स की वीडियो बनती होती है, थोड़ा YouTube पे टाइम लेती है, लेकिन डेली की वीडियो मतलब अपलोड हो जाती है। किसी को कोई भी मेरी फिजिक्स ऐप पे ना हो मेरे से बात कर ले। और जब बात चली है तो बेटे देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, प्लीज सबमिट यूर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैंने बता दिया 3 तरीके हैं, प्लीज। फिफ्थ पॉइंट, ये हमारा क्वेश्चन है, डायग्राम में टर्न कर रहा हूं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए फिश As seen by bird, answer. बताओ bird को fish कितनी दूर दिखाई देगी? बर्ड के हिसाब से फिश कितनी दूर है? जरा ध्यान देखना, 40 और 50 के बीच में मैंने काफी गैप छोड़ा है। पक्षी और मच्छी के बीच में 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो है, मगर इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ये 40 वाला डिस्टेंस एयर में है और ये 50 वाला डिस्टेंस पानी में। अब सबके कान खड़े होने चाहिए, पेन रुके होने चाहिए। बर्ड कहां है? हवा में। ठीक है जी, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहां है? हवा में। बेटे हवा में हवा के डिस्टेंस सेम दिखाई देंगे, अभी लिखना मत। तो 40 सेंटीमीटर तो एज इट इज दिखाई देगा। फिर अपने आप से बातें करो, बर्ड कहां है? हवा में। 50 सेंटीमीटर कहां है? पानी में। तो बर्ड को ये डिस्टेंस कम नजर आएगा या ज्यादा नजर आएगा? जवाब मिला कम नजर आएगा, तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर। अब नोट कर, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। बढ़िया सवाल था बेटा ये।
बी पार्ट फाइंड डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश. पहले लिस्ट बनाओ कि डिस्टेंस कितना है. चालीस सेंटीमीटर एयर का है, पचास सेंटीमीटर पानी का है. फिर सोचो मच्छी कहां है. मच्छी पानी में है तो किस डिस्टेंस के साथ गड़बड़ होगी. एयर वाले डिस्टेंस के साथ गड़बड़ होगी. 50 वाला तो 50 ही दिखाई देगा. ये बना 160 बाय 3 इंटू 150. अरे ये भी 310 ही बना लेकिन डिवाइडेड बाय 3. उम्मीद है समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट बेटे एक सेकेंड, एक क्वेश्चन ढूंढ लूं मैं. ये हो गया बेटे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ. ऑलमोस्ट सेम. पानी मैं जान के वैल्यूज मिलती जुलती ले रहा हूं. फिश ये कुछ भी मान लो, स्पाइडर टाइप. इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड. ये मुस्कुराती हुई मच्छी 5 मीटर पर सेकेंड.
फाइंड स्पीड ऑफ ए फिश विद रिस्पेक्ट टू स्पाइडर स्पाइडर विद रिस्पेक्ट टू फिश जैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं और इस क्वेश्चन का भी बता दूं कर आप लोगे किसी को डाउट हो तो बताओ। एक बात आपको समझाता हूं इंपॉर्टेंट नोट और इस नोट को मैं डबल स्टार इसलिए बोल रहा हूं डबल स्टार का मतलब होता है कंपटीशन के लिए ये नॉर्मल बोर्ड में नहीं पूछेंगे पॉइंट बहुत सिंपल है लेकिन ये पॉइंट बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा और पॉइंट क्या है इन अबव क्वेश्चन कंसीडर अ बर्ड ये तो स्पाइडर थी और जरा ध्यान से पढ़ना बिकॉज फिश इज स्विमिंग अंडरलाइन की जगह मैं कलर ही बदल देता हूं हो सकता है ये बात आपको थोड़ा सा हैरान करे लेकिन अगर मैं नहीं बताता तो आप हमेशा के लिए एक गलत बात अपने दिमाग में रख लेते मेरी तरफ देखिए बेटे अगर एक दूसरे की तरफ जाओगे ना तो ही ये apparent depth, real depth या speed वाले let us not use speed depth का formula तो तब भी लगता अगर fish ऐसे उड़ रही है और ये मेरा bird है ये आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही fish ऐसे उड़ रही है पागल आदमी fish अगर ऐसे swimming कर रही है ठीक है bird ऐसे है तो उसे fish उठी हुई तो दिखाई देगी लेकिन speed same दिखाई देगी फर्क तब पड़ेगा जब towards हो ये बात अच्छे से गांठ बांध लेना इसीलिए स्पाइडर और फिश का एक दूसरे की टूवर्ड्स दिखाया जाना कंपल्सरी था एनी डाउट टू एनीवन सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर 32/4 आ रहा है और 32/3 आ रहा है बेटा मेरे ख्याल से मैंने वैल्यू सेम ली है चार और पांच तो ऊपर वाले आंसर होने चाहिए थे एक
सर दो बार सॉल्व करके देखा है, दोनों बार सेम आया। मैं अभी आई एम नॉट गोइंग बैकवर्ड्स बेटा, ठीक है जी। मैंने भी सॉल्व किया है, आंसर सेम आ रहा है, 31/4 और 31/3 आ रहा है। नहीं, मैं वैसे भी मैं बता देता हूँ, शादीशुदा आदमी शेर की तरह होता है और शेर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। मैं आगे बढ़ूंगा, जिसके बस की है मुझे रोक लो, निकल आओ मेरे कंप्यूटर से बाहर। मैं ज्यादा ऊंचा नहीं बोल रहा हूँ, बीबी बारी बैठी है। क्वेश्चन प्लीज, नहीं तो बेटे अभी बर्तन करने पड़ेंगे मेरे को। क्वेश्चन सेवंथ बच्चे, वन टू थ्री, मार्क। म्यू 1.5, म्यू 1.3, म्यू 1.2, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये हम आहा सुरमा लगा के, मार्क इज बीइंग ऑब्जर्व्ड from a point vertically above 5 apparent depth, real depth, level raised. वैसे तो मैं ये आप ही को करने देता, लेकिन अनुष्का ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, इसीलिए मैं इसको ले रहा हूं। बी क्विक, देखो बेटा, आंसर अनुष्का स्पेसिफिकली फॉर यू, एपरेंट डेप्थ होती है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। अब एक से ज्यादा मीडियम है तो उन्हें रोल नंबर वाइज बुलाओ। जतिन तो माइक ऑन कर लो, मैं मुझे बार बार पीछे देखना पड़ेगा। बताना पहले मीडियम की डेप्थ कितनी है, सबसे नीचे वाला। जतिन, यस सर। हाँ, सबसे नीचे वाला मीडियम कितना डीप है? 10 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। उसके ऊपर वाला 15 सेंटीमीटर बाय 1.3। 1.3, और उसके ऊपर वाला 20 सेंटीमीटर बाय 1.2। 1.2, दैट्स इट। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं। अगर एक से ज्यादा मीडियम हो तो ये नहीं चेक करना कि
भैया कौन सा मीडियम सबसे नीचे है, कौन सा मीडियम सबसे ऊपर है, बिंदास चलो। और लेवल रेस्ट, लेवल रेस्ड होता है कि मार्क कितना राइज होगा। डैश, आई एम लीविंग द आंसर इनकम्प्लीट। एट्थ पॉइंट, एचसीवी का क्वेश्चन है। एक बॉक्स बना लो, कॉपी, और थोड़े से डिस्टेंस पे एक और बॉक्स बना लो, फिर एक और बॉक्स बना लो। इसे हम ब्लू पेन से ही लिखते हैं, 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, ना 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 0.3 और 0.2। यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाओ पी, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर और यहां पर सुंदर सी आंख बना लो सुरमा लगा के। और सवाल क्या है, सभी बच्चों को समझा दूं कि बेटे अगर हम एपरेंट डेप्थ निकालते हैं तो एपरेंट डेप्थ होती है टॉप से। इसने कहा है इमेज बताओ कहां है, तो मेरी मर्जी है कि मैं टॉप से बताऊं या पी पॉइंट से बताऊं। तो अगर मैं एपरेंट डेप्थ निकालता हूं तो फिर इमेज का डिस्टेंस आंख से आएगा, और अगर मैं शिफ्ट प्रोड्यूस निकालता हूं तो इमेज का डिस्टेंस पी पॉइंट से आएगा। आइए आंसर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज, नाम से नहीं डरना कि भैया एच सी वर्मा बुक कैप खा जाएगी हमारे को, ना ना ऐसा हो नहीं सकता। फ्रॉम आई, ये मेंशन कर देते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर फ्रॉम आई ले रहे हैं तो एपरेंट डेप्थ। पी से शुरू हो जाओ, पहले आया 1 सेंटीमीटर एयर में, फिर आया
0.2 सेंटीमीटर. अरे मैंने ये बताया नहीं, माई मिस्टेक प्लीज. ब्लू पेन 1.2, 1.3, यू कैन गेस दैट 1.4. फिर 0.2, 1.2. डोंट एक्सपेक्ट कैलकुलेशन टू बी इजी. फिर 1 सेंटीमीटर की एयर. फिर 0.3 सेंटीमीटर का मीडियम. फिर 1 सेंटीमीटर की एयर. और फिर 0.4 सेंटीमीटर का मीडियम. ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो मुझे पता है आप डायरेक्ट ही लिख दोगे 3 सेंटीमीटर एयर, उसको अलग ही कर दो, और करना भी है. नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन 9th. ये भी HCV. आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं. अ वेसल कंटेन्स water up to 20 centimeter. Oil 1.2 above water. Above water 20 centimeter. Find apparent depth of vessel. यह है 18th क्वेश्चन. और 18th क्वेश्चन का आंसर है 30.4 सेंटीमीटर. दिस मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 10th. बीकर बनाओ. वन मीडियम, टू मीडियम, थ्री मीडियम. A, B, C. आजकल ये क्वेश्चन फैशन में है. क्वेश्चन भी फैशन में होते हैं. ये 1.5 ले लेते हैं, ये म्यू ले लेते हैं, नहीं दे रखा. ये 1.2 ले लेते हैं. 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. ये ऑब्जेक्ट है.
अंडरस्टूड है, देखने वाला ग्रीन कलर से नहीं बनाते क्योंकि ऊपर भी ग्रीन है, देखने वाला यहां पे है। फाइंड म्यू इफ इमेज अपीयर्स मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया है तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी हो। एट इंटरफेस बिटवीन ए एंड बी, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, मुझे इमेज यहां दिखनी चाहिए, यानी एपरेंट डेप्थ 70 सेंटीमीटर दे रखी है। आई डोंट नो द आंसर क्योंकि मैंने अपने दिमाग से बनाया है, सो डोंट आस्क। क्वेश्चन 11th, कल मैं आपको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के ऊपर एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है जी, हो सकता है सुबह सुबह व्हाट्सएप कर दूं या जब भी कर दूं, वो आपका होमवर्क रहेगी। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास is 2×10^8 meter per second। ये एरो हटा ही देता हूं, इतनी जगह नहीं है। By how much an ink dot appears to be raised when covered by, be quick, I will wait till 10 seconds. When covered by glass 6 centimeter thick. Answer. Now listen very carefully. सबसे पहले स्टेप में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, वेलोसिटी इन वैक्यूम जो हमें हमेशा पता होती है, वेलोसिटी इन ग्लास, मतलब ये नहीं करना
कि यार हमें तो पता है कि भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, फिर एपरेंट डेप्थ, अब मोर देन 40% स्टूडेंट ये गलती करते हैं, आंसर 4 सेंटीमीटर पे छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं कि लेवल रेस्ट निकालना है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। दो सेंटीमीटर मैं लिखकर बोल रहा हूं बेटे, आपको एक असाइनमेंट चलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड कर देता हूं, भाई हमारा टेस्ट भी रिफ्रैक्शन पे होना है, ये मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, अगर रात तक बन गई तो रात तक, नहीं तो किसी भी हालत में सुबह 9 बजे तक तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आपको मुझे सॉल्यूशन नहीं भेजने हैं, कैसे करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। मतलब अब हर न्यूमेरिकल हम क्लास में कवर नहीं कर सकते, ये आपके होमवर्क रहेंगे, अभी कुछ एक क्वेश्चन पड़े हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ पे, वो हम कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्टली बेटे मैं बच्चों का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने फी स्ट्रक्चर बोल दिया है, और बेटे ट्रायल नाम की कोई चीज होती नहीं है, इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं मैं जान के नाम ले रहा हूँ, अनुष्का है, बच्चे तेरी फीस आ चुकी है, मोहित सर से बात हो गई है, ठीक है। आरुषि है, तेरी फीस आ चुकी है, बाकी जिनकी फीस नहीं आई है आई एम नॉट टेकिंग देयर नेम्स, प्लीज डिपॉजिट फीस बाय आइदर मेथड विच वी हैव टोल्ड यू। थैंक यू सो मच बेटे, असाइनमेंट मिलेगी उसको सीरियसली लीजिएगा, ठीक है जी। लक्ष्मी की बात भी सीरियस लेनी है यानी कि फीस की बात, और सरस्वती की बात यानी कि एजुकेशन की बात, ये दोनों सीरियसली लेनी। थैंक यू बेटा, और मैं कोशिश करूंगा कि सुबह